नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं तुहाडा अपना संदीप अबरोर एबीएफ दे जरिए तुहाडे तक एक छोटी जिही कोशिश लैके आया हाँ। अते एक कोशिश है अज डॉटर डे बेटी दिवस, बेटी दिवस ते फाजिलका दे कुछ कह दिए परिवार जिन्हां दे अपनी बेटियां प्रति की एक्सप्रेशन ने, अपने बेटियां नाल की प्यार है अते ओह बेटियां दे लई समाज नूं की सुनेहा देना चाहते हैं। एक छोटी जी कोशिश की है असीं तुहाडे तक बेटियां नूं लैके, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी नूं हर थां ते अगे लियाओ, क्योंकि किसी ने कहा है भी हर वो घर किस्मत वाला है जिस घर विच बेटी है। हर बेटी की किस्मत विच एक परिवार जरूर हुंदा है, पर हर परिवार की किस्मत एक बेटी नहीं हुंदी। एक गल अज साबित कर विखाई है फाजिलका दे कई परिवारों ने। असीं अज बेटी दिवस ते छोटी कोशिश लैके आईए, चलिए साडे नाल ते करिए ओह परिवारां नाल गल जिन्हां दा कहना है साडे घर आई एक नन्नी परी। नन्नी परी किहनूं कहा जांदा है ते नन्नी परी की करदी है, जदों कि एक नन्नी परी बचपन किवें बीतदा है, उहदी पढ़ाई किवें है ते अगे उहने की करना है, उसने किहड़े समाज तों निकलना ते किहड़े समाज विच जाणा है, एह इक कोशिश एबीएन दे जरिए साडे नाल आओ। सारिआं नूं मेरे वल्लों अज एक डॉटर्स डे बेटी दिवस दे मेरे वल्लों सारिआं नूं बहुत बहुत शुभकामनावां। बेटी एक शब्द कहना बहुत छोटी चीज है, पर जिन्हां दे घर बेटियां ने वो अपने आप नूं खुशकिस्मत समझदे ने, क्योंकि एक ये चीज है कि जिन्हां दे घर बेटियां ने वो हर घर दी एक रौनक है। पहला तो रौनक है, ठीक है, आपां लोग सोचते हैं कि लड़के जिहड़े मुंडे हुंदे ने अपने घर का वंश चलांदे ने, पर वंश चलाण दे नाल नाल आपां नूं बेटी की जरूरत बहुत है। बेटी दिवस मनाना एक कोई पर्टिकुलर डे नहीं मनाना चाहिए आपां नूं। बेसिक आप सोचते हैं कि बेटी दिवस अगर आप डॉटर्स डे मना रहे हैं तो आप जागरूक करना है सारे समाज नू कि उन्होंने कुड़िया नू पढ़ाना लिखाना और प्लस हर एक फील्ड च अगे लेके आना। उन्होंने मन च कुड़िया के मन च ये चीज नहीं लैके आनी कि तुसी आ नहीं कर सकते, तुसी आ नहीं कर सकते। और ये तो एग्जाम्पल सैट ने अज के टाइम च, कुड़िया शायद कोई भी ऐसा काम नहीं रह गया जिहड़ा कुड़िया ने नहीं किया। हर फील्ड जहाज उड़ान तक भी कुड़िया ने सारी जगह अपनी पूरे दी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नाल सारे काम किए ने। और मैनू लगता है कि इवन आई एम ए वेरी प्राउड फीलिंग कि मैं एक, मैनू शायद मेरे फादर ने या मेरे परिवार ने फीलिंग नहीं दिलाई सी कि एक मुंडे ते कुड़ी च की डिफरेंस होंदा है। आई एम टॉकिंग अबाउट बहुत पुराना टाइम, हुण दा टाइम तो तुसी सारे लोग बहुत आपां इस चीज़ नूं सोचते हैं कि लड़कियां हर फील्ड च अगे। जिस टाइम साडी बिल्टअप हुई है शायद मैनू ये फील नहीं कराया सी कि कुड़ी ते एक मुंडे च की डिफरेंस है, और शायद उन्दा ही नतीजा है कि मैनू अपने आप च कदे लग्या नहीं कि मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं वो काम नहीं कर सकती। और मैं सारिआं नू ये मैसेज जरूर देना चाहनी हाँ कि तुसी अपनी बेटी नू हमेशा मोटिवेट करना है, कोई भी उन्हां दे दिमाग च इफ एंड बट नहीं लैके आन देना कि तुसी ये काम नहीं कर सकते। शायद असी दो बेटियां सी मेरे फादर ने और साडी बिल्टअप बहुत अच्छी कीती उन्होंने, कदे मेरे फादर ने ये फील नहीं होन दिता कि लड़का भी होना चाहिए। और शायद मेरे मन च एक ब्रदर की कमी महसूस की सी, बट वो जो मैनू लग्या कि मेरा एक घर बेटा होया, बट मेरी बेटी जिस दिन हुई सी मेरे इनलॉज फैमिली मेरे अपने परिवार च वो सब तो हैप्पीएस्ट डे सी। और 25 जुलाई 2015 च मेरी बेटी पैदा हुई है, और अज जो साडे घर की रौनक लगती है, हर जगह की खिलखिलाहट होंदी है। जिहड़ियां बेटियां होंदियां मैनू लगदा वो बचपन च ही इमोशन समझण लग पैंदियां ने, कौन परेशान है कौन उदास है। और ये टिल मैं लगता है हुण तक असीं वड्डे भी हो गया ना, हुण दी लाइफ तक भी आपां सारे इमोशंस नूं केयर करदे रहिंदे हां। पर मेरा एक समाज वल्लों सारिआं नूं ये मैसेज जरूर है कि आपां नूं अपने बेटियां नूं जरूर पढ़ाना चाहिए, हर एक लैवल ते हर एक लैवल ते इंडिपेंडेंट जरूर करना चाहिए। वल्लों अज सारिआं नूं फिर डॉटर्स डे ते बहुत बहुत शुभकामनावां, हैप्पी डॉटर्स डे। और एक मेरी ये साडी घर दी परी है जिंदे वल्लों स्पैशल हैप्पी डॉटर्स डे है, तो शी इज ऑल्सो वेटिंग कि मेरे लिए कुछ सरप्राइज प्लान हो रहा है। तो आज सारिया बेटियां सरप्राइज प्लान वास्ते अगर वेट कर रही हैं तो उन्होंने सारे नु खुश करना चाहिए, हैप्पी डॉटर्स डे। मेरे घर में मेरी बेटिया 15 अग्रिमा जो कि 15 नवंबर 2004 को जिसका सुबह 2:57 पे जन्म हुआ, वो पल मेरी जिंदगी का सबसे सबसे खुशी वाला पल था। उस पल को मैं आज तक नहीं भूल सकती जब मैंने इसको अपनी गोद में लिया था। आज मेरी बेटी 17 साल की हो गई है, ये प्लस टू की पढ़ाई कर रही है, ये मेरा प्राउड है, मेरा गरूर है। क्या करती थी छोटे थे इसने मुझे तंग नहीं किया कभी भी छोटे होते थे अब तक।
हमने भी कभी किसी चीज के लिए प्रेशराइज नहीं किया और इसने भी हमारा कोई कभी कोई गारा नहीं डाला। पढ़ने में शुरू से ही बहुत अच्छी रही है हर चीज में। आगे आगे आपके पास इसके लिए क्या प्लानिंग है? आगे इसको कंपटीशन में बिठाएंगे, इसको चाहते हैं कि ये बहुत बड़ी ऊंचे पद पे पहुंचे, सफल हो अपनी जिंदगी में। इसके फैसले पे हम इसके साथ हैं, जो भी ये करना चाहे ये इसके लिए फर्क नहीं लगता लड़की और लड़के में। मेरे को इसने आज तक कभी इस चीज के लिए इसने मुझे फर्क महसूस होने का मौका ही नहीं दिया। इसने दोनों बराबर है, लड़कियां भी जरूरी है, लड़के भी, जो भी है उसको लड़की के साथ वो नहीं करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए उसको भी। लड़की को भी हर चीज में आगे आना चाहिए। मन में ये कभी धारणा नहीं करनी चाहिए कि लड़की को ये सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, लड़के को मिलनी चाहिए। दोनों बराबर है, दोनों का महत्व बराबर है, बिल्कुल बराबर है, दोनों को बराबर प्यार बहुत आगे आगे बढ़ा ही है। प्यार तो बेटियों के लिए भी उतना ही होता है, बेटों के लिए भी बस यही है। अभी आगे इसने पढ़ने के लिए या चले जाना है उस चीज का मन में जरूर होता है, लेकिन मेरी बेटी हमेशा ये कहती कि मम्मा मैं पापा मैं आपको हमेशा अपने साथ रखूंगी। इसलिए मैंने अपने मन में ये कभी विचार नहीं किया कि मेरी बेटी मेरे से दूर चली जाएगी, ये हमेशा मेरे पास। बेटियां वो ये कहते हैं परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं जिनको है बेटियां, वो ये कहते हैं। परमात्मा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, परमात्मा ने मेरे को इतनी अच्छी बेटियां दी। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि सबसे पहले मेरी बड़ी बेटी फजल, जिसका जन्म 28 अक्टूबर 2006 में हुआ, जो परमात्मा ने मेरे को बहुत अच्छी सुगात दी। उसके बाद परमात्मा ने मेरे को दूसरी बार छोटी बेटी 19 दिसंबर 2019 में दी, जो कि परमात्मा ने मेरे को डबल कर दी, मेरी खुशियां डबल कर दी। और मैं इसी बात के लिए परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और सभी को ये कहना चाहती हूँ भगवान ऐसे मतलब लड़कियों को आगे आने दे और भगवान जो है लड़कियों की आयु बढ़ाए। देखते हैं मोस्टली क्या भी जाता है कि बेटा घर बड़ा जरूरी है वंश बधाने के वास्ते, उदा ही मैनू ए लगता है कि बेटिया भी बहुत जरूरी ने वंश न सामभन वास्ते। सो आप बेटी नू बेटा कह के बुला सकते हैं, लेकिन बेटे नू कदे भी बेटी कह के नहीं बुलाया जा सकता। सो बड़ा वड्डा एक मैसेज भी है मेरे वालों ध्यान नाल जिन्हें भी इस मैसेज नू सुन रहे ने IBN के थ्रू कि बेटी नू आप बेटा कह के बुला सकते हैं, जो कि मैं हमेशा फजल नू आदा बेटा कहना, फजल का नाम ही असी डेडिकेट फाजिलका के नाते रखा सी। सो ऐसे करके ही मैं कद हमेशा कहना कि बेटे नू तुसी कदे भी बेटी का नाम दे के या बेटी कह के कदे नहीं बुला सकते। सो दूजी गल, एक बड़े सियाने ने कहा सी जिंदे घर दे विच दो बेटियां होन, जिस घर दे विच दो बेटियां होन वह बंदा हज पूरी कर रहा होंदा, उस तों वड्डा कोई भी चीज नहीं। तीजी गल, एक मैनू हजे भी आमिर खान का डायलॉग हजे भी याद है, जिहड़ी कि उहदी फिल्म पिछे फिल्म आई सी दो बेटियां वाली कि चार बेटियां वाली आई सी दंगल दे विच उहने कहा सी गोल्ड मैडल भावे बेटा लैके आवे या बेटी लैके आवे, गोल्ड मैडल हुंदा है। पापा का नाम भावे बेटा उच्चा करे या बेटी उच्चा करे, हमेशा सानू प्राउड होना चाहिदा। ये जिहड़ा मात्रा का फर्क है बेटा ते बेटी, वह मात्रा का फर्क सानू छड्ड देना चाहिदा। सो मैं एक बारी फिर जिन्हें भी दर्शक ABN के थ्रू ये मैसेज नू देख रहे हैं उन्हां सब नू अज डॉटर दिवस से बधाई भी देना, मेरिया शुभकामना भी देना। तो यह भी गल कहना कि उन्हां सारी बेटियां नू पढ़ाया जाए जो बेचारियां नहीं पढ़ सकदियां या नहीं अगे आ सकदियां। छोटा जा मैसेज हो सारिया संस्थावां वाले भी, छोटा जा मैसेज हो सारिया संस्थावां वाले भी जिहड़ियां बेटियां दे विचारे काम पूरे नहीं हो सकते, जिन्हां दी इच्छावां नहीं हो पूरियां हो सकदियां, वह सारिया संस्थावां वह बेटियां नू सर्च करन ते उन्हां नू अगे लैके प्लेटफार्म दे। हैप्पी डॉटर्स डे टू एवरीवन। अज बेटी दिवस ते मैं तुहानू ए दसना चाहनी आ कि बेटी जेड़ा शब्द है बहुत छोटा है सुनन नू तां, लेकिन जो एदी वैल्यू है जो एदा एक्सप्लेनेशन है ए बियॉन्ड है, इनू आपां एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि बेटी तां एक ऐसा खजाना है जिदा कोई मोल ही नहीं हैगा। पहला मेरे घर बेटा होया,
मैं बहुत खुश सी, बट जो मेरे घर बेटी हुई 10 नवंबर 2010 विच, उदो मेनू फील होया कि मदरहुड की हुंदा है। मदरहुड दी जेड़ी डेफिनेशन है, ए मैं अपनी बेटी दे होन तो बाद ही एक्सप्लेन कर पाई हां कि जो एक बेटी मां नाल प्यार करदी है वो बेटा शायद कदी भी नहीं कर सकदा। जो बेटी मेरे प्रति फील करदी है, मेरा दुख दर्द फील करदी है, वो बेटा शायद कदी ना ही कर पाया ते ना ही कदे कर पाएगा। बेटी मां दी हरेक इमोशन नू इंटरनली जानदी है ते बेटा ओनू एक्सटरनली फील करदा है। ते मैं सारे समाज नू ये कहनी हां कि बेटी बेटे नू पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, लेकिन बेटी नू तां जरूर ही पढ़ाना चाहिए ताकि ए अपने हर मुकाम नू हासिल कर ले। हुण देखो कल्पना चावला किन्नी वड्डी उपलब्धि प्राप्त कीती है, ते आपां हुण ए नहीं कह सकते कि ओ लड़की सी या ए लड़का है। मतलब हरेक फील्ड विच जिहड़ी बेटी है हुण शायद लड़के तों भी अगे पहुंचण दा दावा रखदी है। मैं अपनी बेटी दे आन ते इन्नी कु ज्यादा खुश हां कि शायद मैं अपनी फीलिंग्स नू एक्सप्रेस नहीं कर पावांगी। ए बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है कि परमात्मा हरेक घर विच बेटा दे या ना दे, लेकिन बेटी जरूर ही दे, क्योंकि एदे बेटी दे आगमन दे ही साडे घर हरेक जो भी कोई फंक्शन है, कोई भी प्रोग्राम है, ए बेटी दे नाल ही पूरा हो सकता है। एदे बगैर सब कुछ अधूरा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी एबीएन चैनल दा, तुसी आए मेरे घर इत्थे आके इंटरव्यू ले रहे हो डॉटर्स डे स्पेशल। मेरी बेटी स्नेहा, हर बाप दी बेटी जेड़ी हैगी है एक कल्पना हुंदी है, लेकिन जो मैं इंदे प्रति देखिया समाज दा हर पिता ही देखदा है भी मेरी बेटी है ओ समाज नूं अगे लैके जाएगी। हुण आपां जिवें देखिया टोक्यो ओलंपिक वी होया है, आपां जेड़े मैडल लैके आए है अपने देश वास्ते, लड़कियां सीगियां अपने देश वास्ते। अज मैं चाहना जिवें अपने देश पीवी सिंधु है, सानिया मिर्जा है, मैरी कॉम है, अगे आके देश उन्होंने अगवाई कीती ते अपने देश वास्ते मैडल लैके आए। असीं उम्मीद करदे हां समाज दी हर बेटी अगे आए, समाज नूं अगे लैके जाए ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੂਰਾ। ਹੈਪੀ ਡੋਟਰ ਡੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਮੇਘਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ 18 ਮਈ 2010 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹ 22 ਫਰਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਿਸਟਰਸ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸ਼ਕਤੀ ਔਰ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਗੋਡ ਦਾ ਥੈਂਕ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੌਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵਾਂਗੀ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੜਾਓ ਲਿਖਾਓ, ਔਰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਤੋਂ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰੇ ਬੇਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਪਾਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੀ ਸਾਥੀ ਜੋ ਹੈ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਦੇਵਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਰਹਿਣ, ਕੰਧੇ ਤੋਂ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨੀਡ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਆਲ ਰਾਊਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਿੱਚ, ਡਾਂਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਨੇ ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ,
और भगवान अजिया बेटिया सब नु बेटी दिवस से मैं ही कहना चाहूंगी कि जेडे रोज हर रोज जेड़ा दिन है ना वो बेटिया का ही है। बेटिया जेडिया ने बहुत प्यारिया होंदिया ने, चाहे अपने पापा दी ज्यादा लाडलियां होंदिया ने, मम्मी नाल इन्हां दी अटैचमेंट अपने पापा नाल ज्यादा हो जांदी है। मेरी बेटी दी भी अटैचमेंट अपने पापा नाल ज्यादा है। ए 10 दिसंबर 2010 इहदा डेट ऑफ बर्थ है। उस दिन इहदे पापा ने इहदा नाम रखे है। इहदी शुरू तो ही अपने पापा नाल बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। समाज नू मैं ही कहांगी कि जेडे लोग भरूण हत्या वल ध्यान करदे ने भी असि बेटी नू जन्म नहीं देना, वो बिलकुल गलत है। क्योंकि अज दे टाइम च बेटियां जिन्नियां अगे जा रही ने, जिन्ना बेटियां अपने मम्मी पापा नू संभाल रही ने, बेटे नहीं उन्ना संभाल सकते। मम्मी पापा की जिन्नी केयर बेटियां कर दिया ने, और कोई नहीं कर सकता। रीजन ए है कि जो करना चाहेगी वो इनू पढ़ावांगे, जिन्ना ही पढ़ना चाहेगी इनू उन्ना पढ़ावांगे। ज्यादा ए नहीं कि बस ए शुरू तो अपने पापा की लाडली रही है, शरारती है हुन भी बहुत शरारती है, अपने भरा नू भी बहुत तंग करती है, बहुत शरारती, बहुत ज्यादा शरारती। पहली गल तां जी मैं वड्डा मेरा बेटा है, उस तो बाद मैं बेटी मैं परमात्मा को मन के बड़ी खुशी नाल भी एक बेटा है, दूसरी मेरी बेटी होवे, वो परमात्मा ने मेरी जेडी इच्छा है पूरी करती है। मैं समाज नू यही सुनेहा देना चाहना भी बेटियां नू जेड़ा बोझ ना समझो, इन्हां नू आजादी दो पूरी, तां कि मुंडिया दे बराबर खड़ के काम कर सकन। बेटियां तां जी देखो हर नू अपनियां प्यारियां ने, हर पेरेंट्स नू अपनियां बेटियां प्यारियां होंदियां ने। मैं कहांगी मैं आपकी बेटी नू बहुत ज्यादा प्यार करदा, हर एदी इच्छा पूरी करन नू मैं अपना जेड़ा पूरा जोर लगावांगा, मैं नू अपने पैरां ते स्टैंड करां। एबीएन न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि एबीएन न्यूज चैनल पर ऐसी लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।